You're a superhero. हे नमस्कार दोस्तों, टिक विद कायस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले अनबॉक्सिंग जियोफोन F320B का अनबॉक्सिंग दिखाने वाले। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, दिवोजित की दुनिया, तो उन्होंने ये वीडियो भेजा है, दोस्तों उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स है, इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। इस बार जियो ने जो है जो बॉक्स होता है उसको चेंज कर दिया है। तो पहले फ्लैट में जो बॉक्स आता था वो आता था, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल वाला बॉक्स कर दिया है जियो ने। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोन को खोल कर दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़ोन को खोल लिया है, पीछे से आपको दिखा था वो बैटरी कैसी बैटरी, तो जो पहले वाले जियो फोन में थी वैसी ही बैटरी है। और मैंने यहाँ पर कवर को भी लगा दिया है। तो कवर को लगा देने के बाद यहाँ पर इस जो जियो फोन है इसका जो कीपैड है वो चेंज हो चुका है, और जो अंदर का जो OS होता है वो सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी का सब सेम ही है। और अभी मैं आपको एक बता देता हूँ कि इस फ़ोन में जो वाईफाई नहीं है, और वाईफाई नहीं होने के कारण इसमें जो ऑनलाइन हॉटस्पॉट है वो वर्क नहीं करेगा, या फिर कौन सा भी हॉटस्पॉट ही वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो वाईफाई हार्डवेयर से ही निकाल दिया है जियो ने, इसलिए जो हॉटस्पॉट है वो वर्क ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर जियो ने जो है KaiOS के साथ पार्टनरशिप की है और JioOS लॉन्च कर दिया है। तो इसका जो बूट एनिमेशन जो हमारे ओल्ड मॉडल होते हैं उनसे काफ़ी चेंज हो चुका है, और अंदर का जो OS भी है वो पूरा का पूरा जो चेंज हो चुका है। पहला वाला OS बहुत सारे डिवाइस में था, और ये न्यू OS जियो ने लॉन्च कर दिया है। ये सेम तो नोकिया के फ़ोन की तरह ये जो OS है वो इन्होंने जियो ने डाल दिया है इसमें। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज सभी लैंग्वेज मिल जाएगी यहाँ पर आपको, और यहाँ पर कुछ लोकेशन एक्सेस मांगता है जियो, परमिशंस तो अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर हम डेट सेट कर लेते हैं। तो डेट सेट करने के बाद यहाँ पर TNC को जियो मांग लेता है, उसको अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर अब जो बूट पूरा हो गया है हमारा फ़ोन, और यहाँ पर जो जियो ने आप देख ही सकते हैं जियो का जो लॉन्चर है वो बहुत अच्छा वाला आ गया है, और ये जो लॉन्चर है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका जो पूरा इंटरफेस या फिर लुक कह सकते हैं वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है जियो ने। और यहाँ पर जो रीसेंट ऐप होते हैं यहाँ पर मतलब होम स्क्रीन पर ही लगा दे दिए गए हैं। और इस फ़ोन के फीचर जो है वो इस फ़ोन में आपको क्लीनर मिल जाता है, और कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ट मिल जाता है, कोई भी ONEST की कॉल रिकॉर्डिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो शॉर्टकट मेनू होता है वो भी जियो ने चेंज कर दिया है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें वाईफाई नहीं है, वाईफाई नहीं होने के कारण हॉटस्पॉट नहीं चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बार कैमरा का टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कैमरा कैसा है। कैमरे की क्लैरिटी इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो है फीचर फ़ोन है इसलिए बहुत अच्छी नहीं होगी। तो फ्रंट कैमरा इसमें है जो 24-06N वाला जो मॉडल था उसमें जो फ्रंट कैमरा नहीं था, तो इस वाले मॉडल में जो है फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा भी है, और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर इस फ़ोन में इतनी क्लैरिटी का, इतना मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए।